Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyed Saad Qadri. यानी इनका लेवल ये है कि जाहिलों के साथ भी बात नहीं कर सकते. ये क्यों कह रहा था आलिम लेके हैं? क्योंकि उनको पता है कि आलिम जो है वो बड़े जाहिल होते हैं, उनसे बात करना ज्यादा आसान होता है. आम आदमी जो है ना वो छोटा जाहिल होता है. तो एक बड़े जाहिल ने कहा कि मेरे लेवल का कोई जाहिल लेके आओ ताकि मैं उसे कहानी करा सकूं. तुझे तो मैं करा नहीं सकता, तू छोटा जाहिल है. असल में मतलब ये था उसका, यही मतलब हुआ ना. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. जी दोस्तों, आपने देखा और सुना, यही मतलब हुआ ना कि आलिम जो होता है वो बड़ा जाहिल होता है और जो अवाम होते हैं वो छोटे जाहिल होते हैं. नऊद बिल्लाह मिन ज़ालिक. ये कुरान का मुनकर कैसे बन रहा है और आले इल्म की तोहीन कर रहा है. आले इल्म की इस बात पर तोहीन करना कि वो आले इल्म है, आलिम है, ये कुफ्र है. क्योंकि इनडायरेक्टली कुरान की तोहीन है और हदीस की, क्योंकि उलमा जो है वो अम्बिया के वारिस हैं, इल्म के वारिस हैं. और कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम ने बारहा उलमा की इज़्ज़त अफज़ाई फरमाई है और फ़ज़ाइल बयान फरमाया कि हल यस्तविल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून. जो अहल इल्म है और जो अहल इल्म नहीं है, जाहिल हैं, वो बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं. फ़सअलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून. अहल इल्म से पूछो. तो अल्लाह करीम ने और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान फरमाई, मैं युरिदिल्लाहु बिखैरन युफक्किहु फिद्दीन. जिसे अल्लाह बेहतरी का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है. तो उलमा के बारे में ये कहना कि जो आलिम होता है वो बड़ा जाहिल होता है और अवाम जो होते हैं वो छोटे जाहिल होते हैं, ये एक कादियानी सोच है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की आपने गुस्ताखी हमेशा की तरह एक दफ़ा और एक और गुस्ताखी आपने मुलाहिज़ा फरमाई. इस तरह की बातें आदमी कर जाता है, सुन के तकलीफ़ भी होती है, गुस्सा भी आता है, तैश भी आता है. अल्लाह इसे हिदायत दे और इसके सुनने वालों को भी हिदायत दे. और आई एम प्रीटी श्योर वो इस बात को भी आके डिफेंड करेंगे, क्योंकि होता ही है ना, अंधे भक्त जब हो जाता है इंसान तो वो गलतियों को भी आके डिफेंड करता है और फिर वो पीछे वही एक ही बात, फुल क्लिप चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, आधी बात. ये आधी पूरी बात नहीं, बड़ी वाज़ह बात थी, लेकिन वही बात है कि जिसको समझना है समझ जाता, जिसको नहीं समझना नहीं समझ जाता है. यानी एक किब्र का और गुरूर और तकब्बुर का आलम यह है कि अपने सिवा किसी को कुछ समझता नहीं आदमी. और वही मैं ना मानूं हार, मुर्गी की वही एक टांग समझ लें. उलमा के बारे में बड़ी अपनी ज़बानों को दराज करता है, हाफिज़हुल्लाह रहमहुल्लाह कहकर भी गुस्ताखियाँ करता फिरता. इससे बड़ा मुनाफिक और कौन होगा, खुद ही बताओ. और यहाँ तो यह एक आम इंसान को बड़ा जाहिल कह रहा है और एक तरफ तो इसके सुनने वाले अपने आप को कहते हैं नहीं जी अब वो पुराने वाले लोग नहीं रहे हैं. लेकिन जहालत आपका अपना EMAM आपको जाहिल कह रहा है, तो अब आप पुराने वाले क्या? आप तो उलमा तो आपको इस तरह की बातें नहीं करते. तो ये उलमा से बदज़न करना, ये क़ादियानियों का तरीका, इस पर फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला. लेकिन ये उन लोगों का भी वतीरा है जो ख़ुद भी अदब से आरी होते हैं. देखें ना, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक आलिम और एक तालिब इल्म दोनों के बारे में क्या खूबसूरत बात फरमाई. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि कहते हैं कि समितु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं मैंने फरमाते हुए सुना कि आला इन दुनिया मलऊन मलऊन मा फीहा इल्ला ذكرुल्लाह वमा वलाह وعالم او متعلم. कि अल्लाह का जिक्र और इसका दम भरने वाले और आलिम और तालिब इल्मों को छोड़कर बकाया दुनिया और जो कुछ इसमें है सब हेच है, किसी काबिल नहीं है. इसे इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, वह हसन हूँ व इब्न माजा, और दर्जा हसन की इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं ये रिवायत है. और हदीस नंबर जो है वो 2322 है. और फिर इसको इब्न माजा ने भी रिवायत किया है, हदीस नंबर 4112. इमाम दारमी ने सुनन में रिवायत की हदीस 322. इमाम तबरानी ने अलमुअज्जमुल औसत में और इमाम हैसमी ने इसे मजमाउल ज़वाइद में रिवायत किया है. तो अब आप इससे अंदाज़ा करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आलिम के बारे में ये कह रहे हैं कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने इसे इतनी इज्जत और तकरीम अता फ़रमाई है, और तालिब इल्मों के बारे में ये कह रहे हैं और ये शख्स कह रहा है कि ये जुहला है. तो अब आप इससे अंदाज़ा करें कि ये शख्स जो है वो कितना आरी है इस शय से जिसको इल्म कहते हैं, कि इसे ख़बर ही कोई नहीं कि आलिम और मुतअल्लिम कौन होते हैं. हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी एक रिवायत आती है, फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो आदमी तलब इल्म में किसी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसे जन्नत के रास्ते पर चला देता है, और बेशक फरिश्ते तलब इल्म की रज़ा के हुसूल के लिए इसके पाँव तले अपने पर बिछाते हैं. तो जिसके बारे में मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहें, तो ये आदमी कह रहा है कि आलिम, ये आम लोग तो जाहिल हैं, यानी तालिब इल्म जो इल्म हासिल करने, जो आम लोग जो सवाल करते हैं तो इल्म हासिल करने के लिए करते हैं ना, तो ये तो बड़े जाहिल हैं.
और आलिम के मुतालिक मेरे प्यारे नबी ने क्या कहा, और आलिम के वो है कि आलिम के लिए ज़मीन व आसमान की हर चीज़, यहाँ तक कि पानी की मछलियाँ भी मगफ़रत तलब करती हैं। और आबिद पर आलिम की फजीलत ऐसी है जैसे चौदहवीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है। और बेशक उलमा अम्बिया के वारिस हैं, इन्नल उलमा वरथतुल अम्बिया इन्नल अम्बिया लम युवर्रिसु दिनारन वला दिरहमन। और जो अल्लाह के नबी हैं वो विरासत में दिरहम व दिनार नहीं होती उनकी विरासत, बल्कि उनकी मीरास क्या होती है, इन्नमा वर्रसुल इल्म, उनकी मीरास तो इल्म है। फमन नखद बिही अखद बिहग वाफिर, तो जिसने इसे पाया इसे विरासत अम्बिया में से बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया। जिसे विरासत अम्बिया में से बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया अल्लाह के फजल व करम से, उसे ये आदमी अपने जहल में क्या कहें। और कोई बात करते हैं तो फिर ये समझ भी नहीं आती। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुबहाना व ताला हिम्मत दे, तौफीक दे, ताकत दे, सेहत दे, इनके इस मकरो फरेब की और जहल की और गुस्ताखियों का इंशाअल्लाह ताला जवाब देते रहेंगे। ये जो रिवायत मैंने आपसे ज़िक्र की है हज़रत अबी दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु वाली, इसे इमाम अबू हनीफा ने रिवायत किया है, और इसके अलावा जो है इमाम तिर्मिज़ी ने भी इसे रिवायत किया है। इसके मैं आपको बताता भी चलूँ कि इसके रेफरेंसेस क्या हैं। इमाम तिर्मिज़ी जो है इन्होंने इसे सुनन में रिवायत किया है, किताबुल इल्म यान रसूलिल्लाह के में हदीस नंबर 2682। इमाम अबू हनीफा की मुसनद में भी आती है, इस तरह इमाम अबी दाऊद की सुनन में भी आती है हदीस 3641। इमाम इब्ने माजा ने भी इसे रिवायत किया है हदीस, इसी तरह और मुख्तलिफ और कुतुब में आती है। इमाम दारमी भी इसे रिवायत करते हैं, इमाम तबरानी भी मुसनद शामैन में, इमाम बहकी शोबुल ईमान में, इमाम हामली इसे अल अमाली में रिवायत करते हैं, इमाम मुंजरी तरगीब व तरहीब में दी, कई कुतुब हदीस में ये रिवायत आती है। मारल अल्लाह ताला हिदायत दे। और हम क्या कह सकते हैं, इस तरह सैकड़ों रिवायतें मौजूद हैं, सैकड़ों रिवायतें मौजूद, लेकिन अफसोस दर अफसोस इनके लिए इतनी ही काफ़ी है। मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती अली नवाज़ भाई का कि जिन्होंने इसकी गिरफ्त की इस मामले में, इसलिए मैंने आपके साथ उनकी वीडियो भी शेयर की और अब उस पर अपना रिएक्शन भी शेयर कर रहा हूँ कि शुक्रगुजार हैं अली नवाज़ भाई के, मुफ्ती अली नवाज़ साहब के, कि उन्होंने इजाज़त भी दी कि उनके वीडियोस के ऊपर, मैंने उनसे पर्सनली इजाज़त ली है कि उनके वीडियो पर ये रिएक्शन भी दिया जाए और फिर सबके साथ इल्म को भी शेयर किया जाए कि अल्लाह ताला जो है उसने, अल्लाह ताला ने और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिम की और मुतालिम की, तालिब इल्म की एक बहुत बड़ी फजीलत बयान की है। लेकिन अफसोस दर अफसोस इन जाहिलों को खबर ही कोई नहीं है और ये अभी भी इत्तबाए जहल में लगे हुए हैं। और यही वो तर्ज अमल है जो कादियानियों का तर्ज अमल है कि वो उलमा से मुतनफ़िर करते हैं, और फिर जब लोग मुतनफ़िर होकर भटकना शुरू करते हैं तो फिर वो उनको अपने फांद में जो है वो पकड़ लेते हैं। और इसी तरह लोग जो है वो उलमा से मुतनफ़िर होते हैं तो फिर जुहला के पास जाते हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे, फिर वो उनकी जो मर्ज़ी में आता है और बताते फिरते हैं, फिर इस तरह लोग जो है वो गुमराही का शिकार हो जाते हैं और वो समझते हैं अपने तई के बड़े वो हीरो हैं, बड़े उन्होंने इल्म पा लिया है, बड़ी उन्होंने तहकीक पा ली है, उन्होंने बड़े अच्छा इल्म पा लिया है, बड़ी राह रास्त पा ली है। और दरअसल इस तरह करते करते वो दहरियत के रास्ते पे कोई चल पड़ता है, किसी और रास्ते पे कोई चल पड़ता है। देखो ना, जब इल्म लेने वालों से ही उन्हें मुतनफ़िर कर दिया जाए तो फिर वो इल्म वालों से इल्म थोड़ी लेंगे, वो तो फिर जुहला से इल्म लेंगे। अल्लाह हिदायत दे। और हम क्या कह सकते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद क़ादरी।